गुड मॉर्निंग स्टूडेंट दिस इज़ क्लास एलेवंथ चैप्टर नंबर टू फिज़िक्स का चैप्टर नंबर टू हमारे पास यूनिट मेजरमेंट तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम लोग यूनिट जिसको तो बोलते हैं दैट मीन्स वॉट डू मीन बाई यूनिट अ यूनिट इज़ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वान्टिटीज़ क्या है यूनिट ये एक ऐसा इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है जिसको कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है कि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो हम किसी भी चीज़ को अगर मेजर करना चाहते हैं तो हम उस रेस्पेक्ट में उसको मेजर कर सकते हैं अब मेजरमेंट की अगर हम लोग बात कर लें तो मेजरमेंट कंजिस्ट ऑफ न्यूमेरिक क्वांटिटी अलोंग विद द रेलिवेंट क्वांटिटी, ठीक है न्यूमेरिक क्वांटिटी का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है रेलिवेंट क्वान्टी का मतलब क्या है कि उसके साथ रेलिवेंट यूनिट का मतलब क्या है कि उसके साथ वो किस में है मतलब हम जब उसे मेजर करने वाले हैं तो मीटर में है किलोग्राम में है सेकेंड्स में है तो क्या है ठीक है यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और ये लिखा है यहाँ पे देखो यूनिट्स फॉर फंडामेंटल और बेस क्वान्टिट्टीज़ लाइक जैसे बात कर ले हम लोग लेंथ टाइम एक्सेट्रा आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ मतलब जो हमारी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं अगर हम उनकी यूनिट्स की बात करें तो दे आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स और अगर उन फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से कोई दूसरी यूनिट बनती है देन इट इज़ नोन एज डिराइव्ड यूनिट दैट मींस फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से दैट मीन्स यूनिट्स विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल एंड डाइव्ड यूनिट्स टुगेदर फॉर्म आ क्या बनता है यहाँ लिखा है बेटा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनि टुगेदर फॉर्म आ क्या बनता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ आ सिस्टमेट्रिकल यूनिट फ्रेंच वर्ड है इसमें जिसे हम लोग बोलते हैं एस आई सिस्टम इट वॉज डेवलप्ड सिस्टम इंटरनेशनली बोलते हैं हम लोग इसे या बोल सकते हैं एस आई सिस्टम वॉज डेवलप्ड बनाया गया एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स इन 1971 इज क्लियर दैट मींस उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे पास सेवन बेसिक यूनिट्स हम लोगों ने डिजाइन करी कितने यूनिट्स डिजाइन करी सेवन बेसिक यूनिट्स नाउ सेवन बेसिक यूनिट्स में हमारे पास जो जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द लिस्ट सेवन बेस यूनिट एज द टेबल बिलो अलोंग विद इट देयर इज टू यूनिट्स रेडियन और स्टर रेडियन ये दो यूनिट्स हमारे पास और हैं ठीक है जो कि हमारे पास ज़्यादातर मैथ्स में यूज आती है और दोनों की दोनों डायमेंशन लेस है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि डायमेंशन क्या होती है इज क्लियर नाउ बेस क्वांटिटीज हमारे पास सेवन है कितनी क्वान्टिटीज है बेस क्वांटिटीज सेवन लेंथ मास टाइम लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट

क्या करेंगे कि हर यूनिट को पढ़ने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं सबसे पहले जिसकी बारी आती है जैसे मैं आपको बोल रहा था हमारे पास दो एंगल्स थे दैट वॉज रेडियन एंड स्टेरेडियन तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है रेडियन जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन में होता है जैसे हम लोग सर्कुलर मोशन में चलते हैं तो वहाँ पर थीटा जो एंगल बनता है दैट वॉज नोन एज डिस्प्लेसमेंट तो इसे बोलते हैं हम लोग रेडियन और वहीं पर अगर ये एंगल सॉलिड हो जाए तो सॉलिड एंगल इज़ नोन एज स्टेरेडियन इज दिस क्लियर नाउ अब आती आते, आते है, सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास लेंथ यानी मीटर ठीक है तो मेजरिंग या तो हमारे पास बहुत लार्ज डिस्टेंसेस हो गए या फिर बहुत कम होंगे तो पहली बात है मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस दैट इज पैरलेक्स मेथड पैरलेक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस इन द अपरेंट पोजिशन ऑफ एन आई व्यूड अलॉन्ग टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ साइड ठीक है सपोज अगर हम लोग अपनी एक फिंगर अपनी आँख आग के आगे रख लें और एक आँख बंद करके दूसरी आँख से देखें और दूसरी आँख बंद करके वापस से पहले आँख से देखें तो हम ये देखेंगे कि इसकी apparent पोजिशन जैसे हमने इस आँख से देखा तो यही सेम जो यही सेम सपोज जैसे मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ हमारे पास ये दो आइज हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, है हमें इस फिगर को देखना है तो अगर मैं इस आँख से देखूंगा तो हम इसकी पोजिशन मुझे यहाँ दिखेगी और जब इस आँख से देखूंगा तो इसकी पोजीशन मुझे यहाँ दिखेगी लेकिन जब मैं इन दोनों आंख दोनों आँख से बराबर देखता हूँ तो मुझे इसकी पोजीशन सेंटर में जो कि यहाँ पर दिखती है ठीक है तो इसकी वजह से इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं इस डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं दैट मीन्स पैरलेक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस इन द अपेरेंट पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये अपेरेंट पोजिशन है ठीक है बिटवीन द टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ साइट ये एक लाइन हो गई साइड की ये दूसरी लाइन साइड की हो गई एंड इज मेजर्ड बाई द एंगल ऑफ सेमी एंगल इंक्लेनेशन बिटवीन दीज टू लाइन्स ये जो एंगल बन रहा है इनके बीच में इसी एंगल से मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू व्यू पॉइंट इज कॉल्ड बेसिस क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बेसिस बोलते हैं ठीक है थोड़ा सा आगे चले मेजरिंग अ डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट यूजिंग पैरलेक्स मैथड तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं बहुत दूर की बात कर लेते हैं तो जब हम बहुत दूर की बात करते हैं तो मान लेते हैं हम एक प्लानेट का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं और उस प्लानट का डिस्टेंस हम लोगों को मेजर करना है बाई यूजिंग दिस तो यहाँ पर एस है बेटा पोजिशन ऑफ द प्लैनट डी है डिसप्लेसमेंट ठीक है एस है हमारे पास थीटा है हमारे पास पैरलेक् पैरलेक्स और पैरलेक्स एंगल ठीक है नाउ सिमिलरली अब हम लोग बात कर रहे हैं एंगल की तो ये हमारे पास कैपिटल डी हो गया ये दो पॉइंट हो गए जहाँ से विजिबिलिटी है और ये थीटा बन रहा है ठीक है तो अल्फा इज द एंगल दैट मीन अल्फा इज इक्व टू कैपिटल डी इज कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ठीक है दैट इज इज दिस कैपिटल डी एंड द स्मॉल डी वेर अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट ये जो बनेगा ये क्या बनेगा क्योंकि हम लोग को प्लैनेट के दो पॉइंट दिखेंगे तो उसका वो एंगुलर साइज हो गया स्मॉल डी क्या हो गया बेटा डायमीटर ऑफ द प्लैनेट जितनी जोरी से हमको वो दिख रहा है इन कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द टेलीस्कोप अब ये तो बात होगी कि हम ठीक है पैरलेक्स मेथड से बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस पता कर सकते हैं लेकिन अगर वो डिस्टेंस बहुत छोटा हो मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम लोग कैसे कैसे मेजर करेंगे तो मेजरिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस मेजरिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस टू मेजर डिस्टेंसेज एज लो एज अ साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बहुत अगर छोटा एक मॉलिक्यूल का साइज़ पता करना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास जिसे हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर द मॉलिक्यूल दिस कंटेन दिस कंटेन इलेक्ट्रॉन बीम्स ठीक है क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बीम्स विच आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन इतना अच्छा होता है कि वो हमारे उनको जीरो पॉइंट सिक्स तक का भी साइज हमें विजिबल करा देता है इलेक्ट्रॉन एबल टू रिजॉलिंग टनल हो गया इट इज इंपॉसिबल टू एस्टिमेट द मॉलिक्यूल मतलब हम कितनी अच्छी माइक्रोस्कोप uh, uh, ले लें इट इज इंपॉसिबल टू डू दैट बट इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप से आराम से नाउ जब ऐसा हो गया तो हमने क्या किया एस्टिमेट किया क्या किया एस्टीमेटिंग साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑलिक एसिड सबसे पहले हमने ये पता किया कि एक ओलिक एसिड था हमारे पास यह है उसका हमने सोप उसका जो लिक्विड बबल था उसका साइज पता किया ठीक है तो ओलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड विच विद लार्ज मॉलिक्यूल साइज ऑफ ऑर्डर टेन रेज टू पर नाइन मीटर देखिए यहां पे लार्ज इसलिए बोला जा रहा है क्यों क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल के साइज से बड़ा इलेक्ट्रॉन या फिर मॉलिक्यूल के साइज से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल टेन रेस टू पावर माइनस नाइन मीटर तक का है द स्टेप फॉर फॉलोड टू डिटरमाइन अब हमने क्या किया उसके लिए डिजॉल्व वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यहाँ पे क्यूब क्यों लिखा क्योंकि क्यों 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 वॉल्यूम है तो उसके लिए क्या किया वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड हम लोगों ने एल्कोल में मिलाया ठीक है अब वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑलिक एसिड मिलाया एल्कोहल में और 19 सेंटीमीटर क्यूब लिया सॉरी वन सेंटीमीटर क्यूब लिया ऑलिक एसिड का और 19 सेंटीमीटर क्यूब लिया एल्कोहल का दोनों को मिला के ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब बना लिया टेक वन सेंटीमीटर क्यूब द अब क्या क्या इस सोल्यूशन का हम लोगों ने वन सेंटीमीटर क्यूब लिया और उसे डायल्यूट कर लिया इन ट्वेंटी ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग

मेजर द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फिल्म अब हम क्या करेंगे उस सर्कुलर फिल्म का डायमीटर मेजर कर लेंगे और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे ना अब कैलकुलेशन कैसे होगी इफ़ फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्व टू नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ अ सोल्यूशन ठीक है वी इज द वॉल्यूम ऑफ इज ड्रॉप एन टी इज द थिकनेस ऑफ इज फिल्म एंड ए इज द एरिया टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम टू फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्व टू एनवी सेंटीमीटर क्यूब अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सोल्यूशन एक हमारे पास फॉर्मूला है एन वी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ये जो ट्वेंटी बाई ट्वेंटी हमने यहाँ पे वॉल्यूम लिया था उसी ट्वेंटी बाई ट्वेंटी को यहाँ पे बेटा हमने पुट किया है ट्वेंटी बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब इससे हमें क्या मिल जाएगा उस फिल्म की थिकनेस मिल जाएगी इज दिस क्लियर ठीक है अब यहाँ पर कुछ हमारे पास लेंथ की स्पेशल यूनिट्स हैं मीटर के अलावा फर्मी एंगस्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर एंड पार्सक ठीक है तो यहां पर वन फर्मी इज इक्व टू टेन डेज टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर ठीक है मैं विजिबल कराता हूं आप लोग को शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा क्योंकि एंगल थोड़ा सा बड़ा है ये रहा ठीक है वन फर्मी एफ इज इक्व टू टेन डेज टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर वन एंगस्ट्रॉम इज इक्व टू टेन डेज टू पावर माइनस टेन मीटर वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्व टू वन पॉइंट फोर नाइन सिक्स इंटू टेन डेज टू पावर इलेवन मीटर एंड वन ईयर दैट इज डिस्टेंस वॉट इज लाइट ईयर distance traveled by a light in one year with the velocity of light that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second which is 9.46 into 10 raised to power 11 meter parsec what is parsec it is a distance at which average radius of earth orbit substance substance and angle of one arc second one arc per second yeah one arc second But that means one parsec is equal to 3.08 जीरो एट इंटू टेन रेस्टू पर सिक्सटीन मीटर ठीक है Now ये तो पढ़ा बेटा कि हम लोगों ने length को कैसे measure करना है small length को कैसे measure करना है largest length को कैसे measure करना है Now we have अच्छा इसके अलावा आपके पास इन सबकी definition भी है कि वेर where, uh, where is come from one meter, वेर इज़ कम फ्रॉम वन सेंटीमीटर वन के जी और वन सेकेंड कहाँ से आया तो इसको मैं आपको लाइव क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगा ठीक है नो मास मेजरमेंट ऑफ मास अब मास क्या होता है व्हाट इज मास ये आप सब लोग क्लास में पूछूंगा मेजरमेंट ऑफ मास मास इज यूजुअली इन टर्म्स ऑफ केजी इज इट क्लियर बट फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट मतलब यू ठीक है वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 12 हमने लिया हुआ बेटा कार्बन से 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन रिज टू पर माइनस थर्टी थर्टी ट्वेंटी सेवन के जी सॉरी अपार्ट फ्रॉम यूजिंग बैलेंसिस फ्रॉम नॉर्मल वेट्स मास ऑफ द प्लैनिट इज मेजर्ड फॉर यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड्स एंड मास ऑफ द एटोमिक पार्टिकल आर मेजर्ड यूजिंग मास स्पेक्ट्रोस्कोग्राफ दैट मीन्स अगर हम लोग बड़े बड़े प्लानट्स की बात कर लें या बड़े मास की बात कर लें तो हम उसका ग्रेविटेशनल मेथड से मास निकालते हैं सॉरी <coughs> और वहीं पे अगर छोटे पार्टिकल्स की बात कर ले तो हम स्पेक्ट्रोग्राफ से उसका मास निकाल सकते हैं कि उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है वो कैसे मूव कर रहा है तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा ठीक है तो जब हम बात करते हैं मास की तो मास कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है या फिर कितना छोटा हो सकता है इसके बारे में भी हमें पता रहना चाहिए मास की यूनिट जैसे एस वी नो की हमारे पास मास की यूनिट क्या होती है के जी नो हेर इस देर आर सम यूनिट्स ऑफ मास ठीक है तो हम लोग पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर मास की यूनिट्स क्या क्या हैं ना ऑब्जेक्ट रेंज ऑफ मास इलेक्ट्रॉन जिसकी रेंज है टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी के जी प्रोटोन जिसकी रेंज है टेनरेज टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन रेड ब्लड सेल टेन रेज टू पावर माइनस थर्टीन देखिए धीरे 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 पार्टिकल नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही दैट मीन्स पार्टिकल का साइज बड़ा हो रहा है जैसे इलेक्ट्रॉन था माइनस थर्टी फिर प्रोटोन आया माइनस ट्वेंटी सेवन फिर आया रेड पार्टिकल रेड ब्लड सेल्स टेन रेज टू पर माइनस थर्टीन डस्ट पार्टिकल माइनस नाइन ड्रॉप माइनस सिक्स मॉस्किटो माइनस फाइव ग्रेप माइनस थ्री ठीक है ह्यूमन टेन टू पार टू मतलब हम लोग सौ किलो तक हो सकते हैं ऑटोमोबाइल हजारों किलो में आते हैं तो टेन डेज टू पार थ्री वोइंग एयरक्राफ्ट टेन डेज टूपर फोर तो ये हमारे पास रेंजेस है बेटा मासिस की कि इतना रेंजेस हो सके अगर हम लोग ऑब्जेवल यूनिवर्स तक चले जाएँ जैसे मिल्की वे चले गए या सन तक चले गए या यूनिवर्स की बात कर लें तो टेन डेज टू पार फिफ्टी फाइव के जी तक भी वेरी करता है इज दिस क्लियर तो हम लोगों ने दो यूनिट डिस्कस कर ली पहली डिस्कस की लेंथ दूसरी डिस्कस की मास अब हमारे पास तीसरी यूनिट की बारी है दैट मीन्स मेजरमेंट ऑफ टाइम टाइम इज मेजर्ड यूजिंग अ क्लॉक सब लोग जानते हैं बड़ी कॉमन uh, सी बात है कि अगर टाइम को मेजर करना है तो हम लोगों को क्लॉक यूज करनी है एज अ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डोमिक एज अटोमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज नाउ यूज विच इज मेजर्ड बाय सीजियम और एटोमिक क्लॉक इन सीजियम क्लॉक अ सेकेंड इज इक्वल तो बात कर लेते हैं एक सेकेंड कितने के बराबर होता है तो नाइन कॉमा वन नाइन टू कॉमा सिक्स थ्री वन कॉमा सेवन सेवन जीरो सीजियम के एटम से जितने वाइब्रेशन एक बार जित जो रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन में जब इतने नंबर ऑफ वाइब्रेशन होते हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड को हम लोग ने क्या बोला है कि वो वन सेकेंड के बराबर होता है मतलब सीजियम वन थर्टी थ्री एक एटम है उस एटम में से जो रेज़ निकलती हैं उस रेज़ में जब इतने वाइब्रेशन होते हैं नाइन वन नाइन्टी टू सिक्स थर्टी वन सेवन सेवन जीरो तो उस वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज नोन एज वन सेकेंड सीजियम क्लॉक वर्क्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ सीजियम जैसे मैंने बताया कि उसके वाइब्रेशन में काम करता है क्वाड्स की वॉच भी इसी तरह से होती है ठीक है नेशनल स्टैंडर्ड टाइम की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फोर एटॉमिक क्लॉक से मेंटेन होती है ये सब कॉमन सी बातें जो आप लोगों को पढ़ लेनी है ना जैसे हम लोगों ने बोला कि मास के रेंजेस होते हैं मतलब मास की वैल्यू कितने छोटे से लेके कितने बड़े तक तकवारी करती है ऐसे टाइम की वैल्यू भी या टाइम स्पेन की वैल्यू भी मैं भी कुछ रेंजेस दी हुई हमारे पास या हमारे पास कुछ रेंजेस हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ इवेंट्स हैं लाइफ स्पैन ऑफ अनस्टेबल पार्टिकल टेन डेज टूपा माइनस ट्वेंटी फोर पीरियड ऑफ एक्सरे टेन डेज टूपर माइनस नाइनटीन पीरियड ऑफ लाइट टेन रेज टूपा माइनस फिफ्टीन पीरियड ऑफ रेडियो वेव टेन डेज टूपा माइनस सिक्स साउंड वेव माइनस थ्री ठीक है, साउंड वेव माइनस थ्री आई जो हमारी आई ट्विंकल करती है और ठीक है, का मतलब क्या है नाउ यहाँ पर आगे है सन टू वर्ट भी दिया है टेन रिस्टर टू फाइव सेवन नाइन इलेवन फिफ्टीन सो ऑन मतलब अगर हम अपने यूनिवर्स की एज की बात करें तो टेन पावर सेवन सेवनटीन तक इतना लंबा टाइम पीरियड हम लोगों ने अभी तक अभी तक प्रेजेंटली अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इज इज क्लियर मतलब हम लोग मानते हैं कि इस रेंज से लेकर मतलब टेन रेज टू पार कहाँ से टेन रेज टू पार कहाँ से बेटा टू माइनस ट्वेंटी फोर से लेकर टेन रेज टू पार पॉजिटिव सेवनटीन तक हम लोग टाइम रेंज को कैलकुलेट करते हैं इज इज क्लियर ना एक्यूरेसी एंड परसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है और क्या है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू